रंगों के त्योहार होली को लेकर अंबाला के बाजारों में हलचल तेज हो गई है। कोरोना महामारी के बीच जहां कई तरह के हर्बल कलर्स मार्केट में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार बाजारों में मेड इन इंडिया की झलक दिखाई दी है। इस बार बाजारों में चाइनीज की बजाय इंडिया की बनी हुई पिचकारियां अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। अंबाला की मार्केट में पहली बार गुलाल की बौछार करने वाली पिचकारी मार्केट में आई है, जिसके प्रति लोगों का काफी रुझान है। वहीं विदेशी रंगों की बजाय स्वदेशी रंगों के साथ होली का त्योहार मनाने का लोगों ने मन बना लिया है। इसके लिए दुकानदार भी चाइनीज की बजाय स्वदेशी रंग बेचने के मूड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों ने चाइना के सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर दुकानदार भी इस मुहिम में लोगों के साथ स्वदेशी सामान बेचने का निर्णय ले चुके हैं। वहीं रंगों के पर्व होली पर अब की बार नए नए प्रोडक्ट्स बाजार में आ गए हैं। जब दुकानदार से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि अब की बार लोगों का रुझान सूखे रंगों की तरफ है, और जो आज के युवा वो चाहते हैं कि ऐसे रंग हो जिनसे उनकी त्वचा खराब ना हो। इधर होली का सामान खरीदने आई महिला ने बताया कि वह काफी खुश है कि यहाँ पर हर्बल नेचुरल रंग मिल रहे हैं। त्योहार है जी, और जो ये त्योहार है, ये सब हम हिंदुओं का त्योहार है, और इस बार ही हम सब लोग, मतलब हम जितने भी व्यक्ति हैं, हम सब लोग, मतलब कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी त्वचा ठीक रहे, तो हर व्यक्ति इस बार सूखे रंगों की तरफ ज्यादा हमारा रुझान है कि गीले रंगों की बजाय, और मतलब जितने भी हमारे मतलब न्यू जनरेशन है, सब बच्चे कहते हैं कि कलर ऐसे चाहिए कि जो मतलब स्किन ना खराब हो। इसलिए 90% चीज़ें हमारी गुलाल की चीज़ें बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर आई हुई हैं, इसमें कि होली के प्रॉप्स बड़े अच्छे अच्छे आए हुए हैं हमारे पास। एक ही कुछ इस टाइप की, मतलब कि ना आजकल जैसे कि हमारे पास ये गुलाल के सेट्स आए हुए हैं बड़े सुंदर सुंदर, जिसके अंदर ग्लिटरिंग गुलाल, हर्बल गुलाल, और जैसे फूलों के गुलाल बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। नवी पिचकारी है जी, नवी एक, अब तो सारा सब कुछ इंडियन पिचकारी आ रही है, इम्पोर्टेड सामान सब बंद हो गया, और पिचकारियों में मैक्सिमम बच्चे टंकी वाली पिचकारियाँ आ रही हैं, और कुछ मतलब बच्चों की कार वाली, टॉयज वाली, जिसके अंदर की डायनासोर बना हुआ है, किसी में कोई एलिफेंट बना हुआ है, इस सब की पिचकारियाँ बहुत चल रही हैं। बहुत बहुत बढ़िया त्यौहार चल रहा है। हम लोग वैसे ये सब गलत अफवाहें, जो लोग फुला रहे हैं, गलत फुला रहे हैं, नहीं चाइनीज चीज़ कोई नहीं आती, सब मैक्सिमम सब इंडियन सामान आ रहा है हमारा। आप गुलाल वाले गैजेट्स आ रहे हैं, जैसे देखो ये होली के गैजेट्स हैं, इसमें तो गुलाल निकलेगा, गुलाल वाले स्प्रे आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम गुलाल वाली चीज़ें ही आ रही हैं। गीले रंग लोग अवॉइड कर रहे हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि हर्बल गुलाल चाहिए, फूलों वाले गुलाल, सूखे गुलाल और खुशबू वाले गुलाल। जो तू जैन है, मैं अंबाला कैंट से ही हूँ, और यहाँ पर मैं नेचुरल कलर्स की ख़रीदारी करने आई हूँ आज। और आज मैंने राम बाज़ार में आके यही देखा है कि यहाँ पर सब नेचुरल और हर्बल कलर्स मिल रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर कोई चाइना का प्रोडक्ट नहीं है। और क्योंकि अब तो मौसम भी बदल रहा है, और कोरोना को देखते हुए भी हम पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये पिचकारी भी आई है जिसमें गुलाल ही निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, मतलब हम इसमें गुलाल भर के गुलाल से पिचकारी चला सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं ये सब खरीदारी करने आई हूँ। बस सूखी होली मनाना चाहेंगे, जैसे कि कोरोना की वजह से गिला, तो फिर वही गिले के घन की वजह से कोरोना बढ़ने के ज़्यादा आसार हैं, उस वजह से सूखी होली, सूखी गुलाल की जो पिचकारियाँ आ गई हैं सर, बस आज के लोग तो सूखी होली से ही खेलना चाहिए। थोड़ा सा रंग देख रहा हूँ, और गुलाल ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुलाल ही लूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से महामारी जो फैली हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं सूखे रंग ही का प्रयोग करना चाह रहा हूँ। और पिचकारियाँ भी आजकल मतलब अच्छी टाइप की आ गई हैं, जो हम सोचते हैं मतलब कि अच्छे ढंग से खेलें और सूखा रहे मतलब सब कुछ, क्योंकि कोरोना की वजह से महामारी जो फैली हुई है, हमने उसको भी मद्देनज़र रखना है। और सभी से मैं ये भी प्रार्थना करूँगा कि सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें, और जो होली का जो त्यौहार है उसको सुख शांति से और अपने गुलाल से ही खेलें। और सभी से मेरी प्रार्थना है कि हम सबका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं आया, और ना हम खरीदेंगे, अगर आएगा भी तो हम खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि हम तो जो अपना इंडिया जो स्वदेशी माल है उसी को तो गौर करेंगे, और उसी चीज़ को हम लेंगे और उसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।